नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रोहित जुगलान। बड़ी खबर इस वक्त पर यह है कि अब जो है वो संसद सत्र जो होगा, यानी जो मॉनसून सत्र होगा, उसको लेकर के क्या क्या सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर विपक्ष एक कोशिश कर रहा होगा कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, किस तरह से सरकार से सवाल पूछे जाए, खासतौर पर सामरिक दृष्टिकोण को लेकर। देखिए, जीडीपी को लेकर अपना सवाल हो सकता है, जो निश्चित तौर पर इस वक्त में -23 की तरफ है, लेकिन सरकार से जो विपक्ष के अहम सवाल होंगे वो गलवान को लेकर होंगे, वो रक्षा मंत्री के मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात को लेकर होंगे। अगर विदेश मंत्री मिलते हैं अपने समकक्ष से मॉस्को में, तो उसको लेकर भी, एससीओ की जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर भी हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जबकि प्रश्नकाल इस बार नहीं है, और ऐसा पहले भी हुआ है जबकि संसद में प्रश्नकाल नहीं हुआ है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष के सवालों का, या विपक्ष अगर किसी तरह के आरोप लगाता है, क्योंकि देखिए आपने बीते समय में देखा है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य नेता, ये लगातार इस बारे में सवाल करते आए हैं कि गलवान के लिए प्रधानमंत्री लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं, गलवान पर चीन से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, हमारी 1 इंच जमीन भी उनको क्यों लेने दी गई। ये सारी की सारी बातें आपने सुनी होंगी जो राहुल गांधी के बचकानेपन को साफ साफ एक बार फिर से दिखाती है कि वो किस तरह से उनका जो, उनकी जो सोच है, उनकी जो सामरिक मुद्दों पर उनकी जो क्षमता है सोचने की, वो बिल्कुल बचकानी सी है। तो ये बार बार समझ में आता है, क्योंकि उनके सवाल आपने देखे होंगे, जो कि हम हमेशा ये कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी जो है, जो आपके देश की संप्रभुता है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठने चाहिए। आप देश के मुद्दों पर राजनीति कीजिए, मसला राजनीति का है तो आप राजनीतिक मुद्दों को उठाइए, सामरिक मुद्दों को ना उठाइए। ये सारी की सारी चीजें हैं जिसका फायदा चीन भी उठा रहा है। ग्लोबल टाइम्स जो ट्वीट करता है उस पर वो कहता है कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे के पूरे मसले को सरकार के सामने रख रही है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल टाइम्स के लिए भी कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी एक पपेट बन गए हैं, जिनका वो इस्तेमाल लगातार अपने हित में कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर संसद में सवाल पूछे जाते हैं इस मुद्दे को लेकर, तो क्या रक्षा मंत्री जवाब देंगे? रक्षा मंत्री का जवाब देना बहुत हद तक बनता भी है, इस देश को जानने का अधिकार है कि क्या कुछ हुआ, वो जितना बता सकते हैं, क्योंकि एक हद तक ही वो भी बता सकते हैं, सब कुछ देश के सामने आप राष्ट्रीय मुद्दों पर जो सामरिक मुद्दे होते हैं उन पर नहीं रख सकते, लेकिन रक्षा मंत्री इस बारे में कितनी जानकारी देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विपक्ष जरूर चाहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर कुछ बोले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे या नहीं, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार का जो मॉनसून सत्र शुरू होगा उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बातचीत हो सकती है, और जिनको लेकर के अगर प्रश्नकाल होता तो निश्चित तौर पर विपक्ष कोशिश करता कि सरकार को घेरा जाए इन अलग अलग मुद्दों पर, और सरकार के पास बहुत कुछ जवाब देने के लिए भी इस बार है, चाहे वो गलवान को लेकर जो कुछ हुआ हो, चाहे वो इस वक्त पे जो कुछ हो रहा है, चाहे वो विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री की मुलाकातें हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का निमू जाना हो, ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बातचीत की जा सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी की सारी चीजें आखिर मॉनसून सत्र में उठाई जाती है या नहीं। 14 सितंबर से जो है मॉनसून सत्र शुरू होगा, बहुत ही अलग तरह का मॉनसून सत्र है, सिर्फ जो सांसद आएंगे उन्हें उनके सिटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं, उनके साथ उनका कोई अपना जो पीएसओ होगा या जो पीए होंगे वो अलाउड नहीं है, सैनिटाइजर वहां पर हर जगह पर मौजूद होंगे, उनकी जो रीडिंग्स होंगी वो भी लगातार ली जाएंगी, बॉडी रीडिंग्स, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपने निश्चित तौर पर सुना होगा। तो इस बार का मानसून सत्र अपने आप में बहुत अलग होने वाला है, लेकिन इसमें जो चर्चा होगी वो और ज्यादा अलग होने वाली है, गहमा गहमी देखने को मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा क्या प्रधानमंत्री चीन के मुद्दे पर बातचीत करते हैं या नहीं, चीन के मुद्दे पर देश को संबोधित वहां से करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।